अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिज़नेस 10। मैं हूं नदा अमीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी इंटरव्यू। नाजरीन, और आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान के डेयरी फार्मिंग सेक्टर के हवाले से, साथ ही साथ कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की डेयरी एसोसिएशन के हवाले से भी। और इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट है जिन्होंने हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है वो है नवीद सईद साहब, डायरेक्टर कॉरपोरेट अफेयर्स एंग्रो फूड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर आते हैं प्रोग्राम में, 45 मिनट्स टू वन आवर देने के लिए भी एक अच्छा एक टाइम होता है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, एंड आई एम श्योर कोई इसके अंदर देयर विल बी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर द व्यूअर्स एंड द पब्लिक एंड सम ऑफ द पॉलिसी मेकर्स आल्सो। सो वी वुड लाइक टू गेट आवर मैसेज अक्रॉस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Although I work for Engro, but as being a part of the dairy association, we have certain agendas or certain things that we would like to accomplish with the government and with the regulatory bodies of Pakistan. Sir, generally, सबसे पहले तो मैं डेयरी फार्मिंग सेक्टर के हवाले से ही आपसे जानना चाहूँगी, as you are representing the dairy farming association. तो generally एक सवाल सबसे पहले तो पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, इट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड है, एंड इट हैज़ मेंबर्स, एंड इट्स एन ओल्ड एसोसिएशन, इट्स बीन देयर फॉर मेनी इयर्स, एंड ऑल ऑफ द मेजर डेयरी प्लेयर्स, जिसमें ऑल द बिग नेम्स, जिसमें एनग्रो है, नेस्ले है, हलीब है, फौजी है, नूरपुर है, एंड all other players, I'm not taking name of all, so all of the players are members of this, the CEOs are the board members of this, and we also represent ourselves on that forum as well. So usme the issues at large, issues, commercial issues, business issues, and specially policy issues from a government level are discussed, and proposals are made and put forward for making a better conducive environment to do business. Okay, so what kind of issues do you face basically? Issues, agar main specifically baat karun, which are more related to the let's say to the public sector, which is the government sector. Yes, issues relating to duties, issues relating to taxes, issues relating to quality control, issues relating to regulatory management from Pakistan as well. Aapko, you might be aware of the 18th amendment, which took place theek hai, and uske baad there were certain empowerments which the constitution allowed to be given to the provinces. So it in essence, agar main simple baat karun ke federal government ke paas koi cheezein thi jo wo directly manage kar rahe the, unhone kaha ki we will give some empowerments now to the provincial governments jo ki isko manage karengi, and they will formulate some of the laws themselves to you know, make a better working environment, more cohesive, and better management of the provinces, which in a nutshell we support. I think everybody will support that ki jitni devolution of power ho, jitni deregulation ho, utni ye better hoti hai for the country. But however, in certain instances, I think in the spirit of the 18th amendment which was passed and the law was written, तो उसके बाद क्या कॉन्फ्लिक्ट्स देखने में आए, और आप क्या सजेस्ट करेंगे किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, और फिर हुकूमत को इस हवाले से क्या इकदाम लेने चाहिए? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ये आपको बताऊं कि देर वॉज अ सेक्शन, एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 151, उसमें येस दिस वॉज पार्ट ऑफ द डेवोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें 18th अमेंडमेंट में वो ये गई चीज़, और उसमें फिर ये बताया गया कि वॉट इज़ इट दैट कैन बी डन स्पेसिफिकली ऑन द ट्रेड साइड, सो कोई ट्रेड बैरियर्स तो नहीं क्रिएट हो जाएंगे आफ्टर डेवोल्यूशन, ये तो नहीं हो जाएगा कि द प्रोविंसेस विल हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट विल हैव ओन सेट ऑफ रूल्स। तो जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है इन अ कंट्री, कि मैं मैनुफैक्चरिंग करूँ कराची में और मैं अपने गुड्स सप्लाई कर सकूँ अप टिल पेशावर एंड इवन बियॉन्ड गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान के जितने फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो उनको दे शुड बी नो ऑब्स्टिकल फॉर मी टू डू बिजनेस। द प्रॉब्लम विल कम इन एंड हैज़ कम इन अ लिटिल बिट कि व्हेन द लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज विच आर नाउ बीइंग इन द डेवलपमेंट, स्पेशली नेमली द फर्स्ट टू लीड इन दिस वॉज द पंजाब फूड अथॉरिटी विच हैज़ डन a good job in overall you know, managing the quality of food, and what about the Sindh food authority then? Sindh food authority ji, it's in the development phase.
They have recently appointed the DG for that. Lagari Saab has just been appointed. Right. And now they are in the documentation and writing of the policy and procedures. So problem वहाँ आ सकता है और थोड़ा सा आ रहा है कि अगर एक authority अपने set of standards differently define कर दे. मिसाल के तौर पे अगर हम packaged milk बेचते हैं तो packaged milk में कोई कह दे जी इसका ingredient थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो. तो that creates a conflict क्योंकि manufacturing facility एक है. ये मुमकिन नहीं है कि मेरा एक दूध के डब्बे में थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा हो और दूसरे प्रोविंस में कम हो और तीसरे में कुछ और हो. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ कमिंग इन. तो इस तरह के इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं जी. इस तरह के थोड़े बहुत इश्यूज़ आए हैं. सो वी आर इन डिस्कशन विद दिस. सो उसमें फेडरल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अ रेगुलेटरी बॉडी इन इफेक्ट जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है. सो दिस इज़ द PSQA विच इज़ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इसको रेगुलेट करती है कि दीज आर द लॉज, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन जो होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की. एंड दे एसेंशली फॉलो द इंटरनेशनल लॉज विच इज़ टर्म एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिस कॉल्ड द कोडेक्स अलिमेंटेरियस. दे आर द वंस हु एक्चुअली फॉर्मुलेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड द एंटायर देन ग्लोब इज एक्चुअली फॉलोइंग दो स्टैंडर्ड्स. तो हम तो वो स्टैंडर्ड्स ही फॉलो कर रहे हैं और जब उसमें कोई वेरिएशन की बात आएगी so it becomes difficult between the inter provinces jo trade hai wo hamper ho jati hai uske andar. So for sure the government has to realize this and understand this ke you cannot jab level playing field ki baat hoti hai na it has to be leveled. It cannot be you know kahin level hai aur kahin uncha hai ya kahin niche hai. It becomes difficult for us to compete or to do business in that environment. Having a different standard in Punjab, having a different standard in Sindh or having a different standard in the federation. And yes, regulators are coming. So you, now, आपका KPK का भी regulator बन गया, which is the KPK halal authority as well. उसके साथ वो भी create हो रही है, उसी regulation के अंदर. And AJK की भी authority is in the offing. Gilgit-Baltistan की authority is in the offing as well. और आपको ये मालूम ही है कि you know especially dairy products, दूध वो चीज़ है जो हर घर में हर रोज़ बिल्कुल हर रोज़ दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल होती है चाय में दूध में लस्सी में सीरियल्स में आइसक्रीम में तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है. तो इसके लिए तो बहुत एक कंप्लीट फोकस होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट लेवल वेयर बाय द रूल्स आर फ्रेम्ड इन अ वे दैट यू नो दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट एनी ऑफ द अदर रूल्स. यहाँ पे यही बात आ जाती है कि फोकस होना चाहिए उसके बावजूद अगर हम देखें तो आप दूध में मिलावट की अगर बात करें खुले दूध की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतनी मिलावट देखने में आती है. फिर अगर हम पैकेजिंग की तरफ और ये जो डब्बे का दूध अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो भी हमने देखा है कि उसमें भी मिलावट देखने में आई बड़े से बड़े ब्रांड्स में देखने में आई आपके सामने ही आई वॉन्ट टेक द नेम लेकिन उस पर भी एक इशू हुआ उसमें भी हमने देखा कि मिलावट यूरिया की और इन सब चीज़ों की देखी जा रही है. तो यहाँ पे क्या कहेंगे इस हवाले से हम किस तरह से आवाम को अश्योर कर सकते हैं जब खुले दूध में इतने सारे इशूज़ हैं तो फिर यहाँ पर भी देखने में आ रहे हैं. अच्छा जी मैं खुले दूध की पहले आपसे ये बात करता हूँ कि खुले दूध में डेफिनेटली देर आर प्रॉब्लम्स बिकॉज उसकी अगर रेगुलेशन देखी जाए ना क्योंकि वो इतना वास्ट है इतना वाइड स्प्रेड है इतनी पाकिस्तान में फैला हुआ है मे बी देर आर इज़ नॉट नफ ऑफ रेगुलेशन मशीनरी जो अभी वहाँ तक पहुँच के उनके दूध को रेगुलराइज करने की कोशिश करे. हावर पंजाब ने एक लॉ पास किया हुआ है विच इज़ कॉल्ड द मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ. इसका मतलब यह है कि दूध जो भी होगा जो बिकेगा गवाला जो बेच रहा होगा दुकान पे बिक रहा होगा इट विल गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मिनिमम पैस्चराइजेशन जिसके अंदर उसकी कोई अगर केमिकल्स हैं उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन है कुछ भी चीज़ है वो मॉनिटर होगी और मैनेज होगी. सो दैट लॉ हैज़ बीन मेड बट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रही. सो वो 5 साल का टाइम दिया गया. सो एज आर रिक्वेस्ट फ्रॉम द PDA प्लेटफॉर्म टू द गवर्नमेंट इज टू ब्रिंग बैक द टाइम फ्रेम. Don't take it into 5 years because ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. आपको आइडिया होगा कराची में क्या हुआ. बिल्कुल. You know, the Chief Justice has gotten involved. The Supreme Court has gotten involved in taking you know suo motu actions on such matters के दूध की मिलावट जो हो रही है openly उसका किया जाए. Now I won't say के everybody is doing it, but we have seen viral videos of fake. But mostly people are doing it. We have seen अगर आज आप जाके उसकी केमिकल टेस्टिंग करवाते हैं किसी सर्टिफाइड लैब से PCSIR जैसी लैब से यू विल फाइंड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स ट्रमेंडस. आई एम नॉट सेइंग छोटे मोटे यू नो द वैल्यूज ऑफ समथिंग विच शुड बी 0.5 यू माइट फाइंड 2300.
So that's the values. Maybe to maintain the color of it as well. क्योंकि वो हमने तो ये भी देखा कि starch and then washing powder और अल्लाह माफ करे ऐसी-ऐसी चीजों की दूध में मिलावट देखने में आई है, जो जिस तरह से हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं, फिर आपने अभी आपने वीडियोस की बात की। दूसरा अगर देखें जी, ये जो मिल्क है ना, इसकी पहले सबसे पहले आपको पता है ये पेरिशेबल आइटम है। अगर दूध मैं निकाल के अभी यहाँ रख दूंगा तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसकी एक सर्टन लाइफ है जिसके अगेंस्ट उसने चलना है। तो ऑब्वियसली उसमें आप क्या, अगर कोई उसको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे या कुछ करेंगे तो इन दी एब्सेंस ऑफ अ कोल्ड चेन, कोल्ड चेन नहीं होती कि दूध जहाँ से मतलब लिया गया और उसको फिर उस कोल्ड चेन में कैरी फॉरवर्ड किया गया टिल द सेल पॉइंट, और जो कि कोल्ड चेन में हो, सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग। अब उसको ठीक करने के लिए ऑब्वियसली देर माइट बी सम मिक्सिंग हैपनिंग टू जस्ट इंश्योर के वो दूध ख़राब ना हो, तो उसमें कुछ चीज़ें मिक्स की जाती हैं। लेकिन बरक्स द पैकेज्ड मिल्क इज़ अ वेरी रेगुलराइज्ड, वेरी इट हैज़ साइंटिफिक कंपोनेंट्स। हमें पता है इसके अंदर ये एलिमेंट्स इतने पूरे करने हैं, हमने इतनी फैट करनी है, इतने सॉलिड्स करने हैं, इतने मिल्क सॉलिड्स करने हैं, इतना इसके अंदर, एंड इट गोज थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड UHT विच इज़ दी अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें दैट इज़ अब होता ही है कि दूध को, तो पहली बार जो कलेक्ट हो रहा है वो कोल्ड चेन के अंदर है, तो हमने कलेक्ट किया, वो भी ठंडा रहेगा, जहाँ स्टोरेज होएगी वहाँ भी ठंडा रहेगा, और फिर उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा जहाँ के उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। अगर किसी दूध में कुछ फैट कम है तो जो एक्चुअल फैट होगी उसमें ऐड कर दी जाएगी, एंड एनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स या व्हाटएवर, फिर उसको इट टेक्स इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड द UHT जो कि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वो अल्ट्रा हीट, मतलब वेरी हाई डिग्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी हाई टेम्परेचर में उसको चंद सेकंड्स के लिए गुजारा जाएगा। ठीक है, चंद सेकंड। अब चंद सेकंड का मतलब ये कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, द गुड कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, देर स्टे इंटैक्ट, और उसके अंदर ऑलमोस्ट 100% बैक्टीरिया मर जाता है। सो दैट मींस अब वो पैकेज में रहेगा, इवन वो आपके पास फ्रिज में भी रहेगा, वो दूध ख़राब नहीं होगा, काफ़ी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सो इट इज़ एक्चुअली विद फुल गुडनेस वर्सेस लूज मिल्क। आपने वो तो उसके अंदर जो जो एडल्ट्रेशन होगी वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब ला के आप जिस तरह घर में उसको उबालते हैं ना, आप ऑलमोस्ट 95% उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। So, I mean, so this is the, why the pasteurization law. Sir, लेकिन यहाँ पे एक prices का भी तो issue है, because अगर हम आप packaging की बात करें, दूध की बात करें, तो वो जो prices हैं उसकी, वो आम आवाम की अगर आप बात करें, वो afford नहीं कर सकते हैं उसको, तो वो फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो फिर खुले दूध की तरफ जाते हैं। I'm sure price is an issue, and that's why I think अगर मैं दूसरी साइड पे भी बात करूँ कि some of the taxation measures जो अब implement हो गए हैं, there is a regime called zero rating जो कि implemented थी, जो अब exempt category में उन्होंने उसको डाल दिया, so there was some taxation benefit to the packaged milk industry जो कि मिल रहा था, जिसकी वजह से वो prices और reduce कर सकते हैं और कर रहे थे, they didn't increase the price even though पीछे से cost of production, cost of milk sourcing, that had actually gone up. But we maintained the price because there was a certain benefit in the zero rating regime जिसमें हमें tax refunds मिलते हैं, we were able to do that. So वो government ने वो ख़त्म कर दी, अब उसको उन्होंने exempt category में डाल दिया, so that has impacted by billions of rupees to the entire industry. अब वो क्योंकि cost नहीं, वो एक किस्म का हमें वापस मिल रहा, सो ऑब्वियसली दैट कॉस्ट इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन, बिकॉज़ हमने एक सर्टेन मिनिमम मार्जिन पे उस बिजनेस को करना है। सेकंडली आल्सो देयर इज वो भी आपने बात इसका जिक्र किया ही, ऑन दी देयर इज आल्सो रेगुलेटरी ड्यूटी इशू एज वेल, जो कि गवर्नमेंट ने पहले 5% काफ़ी सालों तक मेंटेन की, सो ऑल ऑफ अ सडन दे इंक्रीज्ड इट टू 25%। सो नाउ दैट मींस इंपोर्टिंग ऑफ पाउडर मिल्क और वॉट एवर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं टू मेक गुड मिल्क, जिसमें हमको फैट भी होती है, पाउडर भी होता है, अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, उन सारों के ऊपर आपने 5% से 25% कर दिया। सो अगेन वी आर गोइंग टू बी गोइंग टू द गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ रिडक्शन ऑन दिस, सो दैट उसकी एक वजह ये थी मे बी सो देर कुड हैव बीन प्रॉस्पेरिटी फॉर द लोकल मिल्क कलेक्शन, दैट डिड नॉट हैपन, क्योंकि हमारे मुल्क में वी नीड टू एनालाइज हाउ मच मिल्क इज एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड, and if it is sufficient, why so much being imported? So that's a big question. So agar wo, if the figures are accurate, then we should be, you know, saying okay, we have enough milk locally, we don't need to import it.
but that is not the case. There is import happening. और वो जो powder आ रहा है, जो powder milk है, skim milk जिसे कहते हैं, वो आपकी मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहा है. आपकी you know lot of other things जिसमें उसकी अच्छी भली खपत है. It's billions of imports जो हो रही हैं. So obviously that needs to be looked at as well, and the model has to be made on that as well. So that's one reason to prices उसकी up हैं. But अब अगर आप gap देखें, the gap has reduced significantly. जो खुला दूध था वो अब किस लेवल पे आ गया आपको भी पता है, और जो पैकेज मिल के अगर वो 120 रुपए का लीटर मिल रहा है तो खुला दूध अब 100 रुपए की बात हो रही है. अब आपको हेल्दी मिल्क विद ऑल ऑफ द बैक्टीरिया उसमें मैनेज्ड नॉट मतलब उसमें है, एंड आपको पूरी उसकी कॉम्पोजिशन रेगुलेटेड एज पर इंग्रेडिएंट्स बाय इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट आपको मिल रही है, विच इज़ गुड हेल्दी कॉन्शियस मिल्क. मेरे बच्चे भी ऑल पर ही पीते हैं, आई जस्ट लाइक टू से दैट, और दिस इज दे बीन ड्रिंकिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, एंड आई एम श्योर और इसी तरह और ब्रांड्स को भी यूज कर रहे हैं. सो वी बिलीव दैट इज गुड मिल्क रादर देन एडल्ट्रेटेड, जिसमें सिर्फ पानी मिला हुआ, पानी के अलावा भी और बहुत कुछ मिला हुआ खुले दूध. तो क्या ये सही है कि आप 20 रुपए ऊपर देकर जो है वो बेहतर है कि आप प्योर मिल्क की तरफ चले जाएं, क्योंकि इसमें मिलावट होती है? एब्सोल्युटली, आई वुड रेकमेंड दैट टू एवरीवन, यू नो, पे दैट एडिशनल अमाउंट एंड गेट गुड क्वालिटी, जिससे मतलब जिसमें वो पैथोजेंस की बात होती है, जिसमें बैक्टीरिया की बात होती है, जिसमें यू नो एलर्जेंस की बात होती है. सो दे आर ऑल यू नो मैनेज्ड एंड टेकन केयर ऑफ, दे आर आउट ऑफ दैट मिल्क रादर देन द खुला मिल्क व्हिच हैज ऑल ऑफ दिस. सो वी हैव नो ऑपोजिशन विद दिस मिल्क. हम तो चाहते हैं कि पैस्चराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन हो, पैस्चराइजेशन लॉ इधर इम्प्लीमेंट हो. सारा दूध जो खुला भी बिक रहा है, जो पैकेज भी बिक रहा है, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, इट शुड बी क्वालिटी कंट्रोल्ड. एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से वापस आके फिर बात करेंगे. व्यूअर्स, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वी विल सी यू राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक व्यूज. आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इंटरव्यू. आज हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग सेक्टर पर, और आज जो गेस्ट है जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है वो है नवीद सईद साहब, डायरेक्टर कॉरपोरेट अफेयर्स एंग्रो फूड्स. सर, हम ब्रेक से पहले कुछ टेट्रा पैक्स के हवाले से भी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया और उसमें भी जो है वो मिलावट देखने में आई, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ जी, मैं पहले तो हम लूज मिल्क ही, मैंने आपको बताया कि जो उसमें इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स है, कोई चीज़ें एट टाइम्स, क्योंकि देर इज़ अ रेगुलर आप कहें कि चेक ऑफ क्वालिटी ऑफ पैकेज मिल्क हैपनिंग एज वेल, बट उसके अंदर अगर कोई वेरियंट आता है तो इट्स अ वेरी माइनर वेरियंट. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सर्टन सीजनल फैक्टर आता है, देर इज सब्सटेंस कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन, वो बेसिकली आती है इन योर फार्म्ड मटेरियल में, यानी कि आपके क्रॉप में आती है, एंड इन अ वे दैट इज काइंड ऑफ ट्रांसमिटेड इन टू द काउ एंड इन टू द मिल्क, विच इज़ नॉट रियली दैट हार्मफुल. उसकी कोई डिग्री डिफाइंड है कि 0.5 तक इज एक्सेप्टेबल, विच द रेगुलेशंस आर डिफाइंड लोकली एंड ग्लोबली, एंड इफ इट गोज बियॉन्ड दैट देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो रिसेंटली आपको पता होगा कि द सुप्रीम कोर्ट गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू द क्वालिटी ऑफ मिल्क, उन्होंने टीके बैन किए लूज मिल्क के लिए, जो काउस के लिए, उस पर काफ़ी शोर पड़ा, विच वॉज अ गुड इनिशिएटिव, वेरी वेल डन बाय द कोर्ट फॉर दैट. एंड देन दे ऑल्सो लुकड एट सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, जिसमें उन्होंने एक जिसको हम ये USG मिल्क जो है, जो मिल्क मिल रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा वी वुड लाइक टू सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स. सो उन्होंने पैनल बनाया एंड सम दे मेड सो दे वर आस्क्ड सम ऑफ द कमेटी मेंबर्स, जो उन्होंने कमेटी एक बनाई, दे वर आस्क्ड टू गो एंड लुक एट टेस्ट ऑल द मिल्क्स. सो मोस्टली ऑल ऑफ द मिल्क्स पास्ड एक्सेप्ट अ फ्यू व्हिच हैड अ लिटिल 0.5 के बजाय 0.6 पे थे. अब ये मेरे नज़दीक इतनी वैसे भी वेरिएशन, जब आप लैब टू लैब टेस्टिंग कराते हैं ना, तो एक लैब कहता है कि जी कम है, एक लैब कह देता है थोड़ी सी ज़्यादा. सो जो टेस्टिंग मेथडोलॉजी भी है वो भी एक स्टैंडर्डाइज होने की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, इन विच आई वुड अगेन से कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक वो बना रहे हैं टेस्टिंग अथॉरिटी विच इज़ कॉल्ड पैफ्टा, इट इज़ द पंजाब फूड टेस्टिंग अथॉरिटी फॉर ड्रग्स एंड फॉर all of the dairy products and also all other products as well. So usme thoda sa aaya masla, to the supreme court was kind enough to say ki
ये आपको इशू है, प्लीज़ गो एंड सॉल्व दिस एंड रीटेस्ट इट एंड वी विल गिव इट बैक टू यू. सो अगली दफ़ा रीटेस्टिंग हुई, सो इट गॉट ओपन्ड अप. सो इट वॉज नॉट अ मेजर वेरियंस वर्सेज अगर आप लूज मिल्क में जाते हैं तो यू विल फाइंड. मैंने कहा ना अगर दी परमिसेबल लिमिट इज 0.5 तो वहाँ तो हमने टेस्ट कराया तो 2300 निकला विच इज वे आउट. एंड देन उसके अंदर उसको जो न्यूट्रंट्स हैं they are lost as well and whatever. So this was just a minor glitch, but in a way that was a wake up call for the industry. Right. We fix our show, we fix our production, we fix all of the other issues. Alhamdulillah, all of the players which are members of the PDA have fixed their milk issues. The milk is available in the market and it's being sold and people are happy now. ठीक है. अच्छा सर, जो लोग जो आम आवाम भी हमें जो देख रही है जो इस बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज अगर हम बात करें डेयरी फार्मिंग की तो ऑब्वियसली इट्स अ बैंड वैगन. मतलब व्हाट आर द रीजंस फॉर जंपिंग इनटू इट? आई थिंक इट्स फर्स्टली इट्स एन इकोनॉमिक डिसीजन, अ बिजनेस डिसीजन फॉर. मैंने पहली बात जो पहले आपको मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके ऑब्वियसली फेलियर्स के चांसेस भी फिर कम होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू है जो वो फेस कर रहे हैं इस वक्त. आई थिंक सम बिजनेसेस, जैसे होता है कि हर बिज़नेस की अपनी चलाने की नौीयत होती है, इन्वेस्टमेंट की नौीयत होती है. कोई बिजनेस आते हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं और थोड़े अर्से बाद वो नज़र नहीं आते हैं. सो लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव एंटर्ड द मार्केट एंड लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव लेफ्ट द मार्केट. ये आसान काम नहीं है. आपको पता है ये काम शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है फ्रॉम द सीड. जो एक सीड बीजी जाएगी ना ज़मीन में, उसके अगेंस्ट एक फॉडर ग्रो होगा. फॉर्डर ग्रो होके कट होएगा, वो जाके एक एनिमल को फीड होगा. एनिमल की फिर कंडीशनिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी हेल्थ है, फिर उसने दूध देना है, फिर वो दूध कलेक्ट होगा, फिर वो दूध स्टोर होगा, कोल्ड चेन होगी, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर फैक्ट्री में उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होगी. गाय का मिल्क है, बफलो मिल्क है, काओ मिल्क है, उसमें वेरिएशन भी है, कोई थोड़े से फैट कॉन्टेंट्स किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, तो वो हमने फिर पूरे बराबर करने हैं जो भी लॉ के मुताबिक है. हम वो करके फिर उसकी प्रोसेसिंग करके फिर उसकी फाइनल डब्बे की मार्केट में मार्केटिंग होनी है, आफ्टर पैकेजिंग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, और ये हर रोज़ होनी है. हर सुबह दूध खरीदा जाना है, हर रोज दूध खरीदा जाना है. सो इट इज अ डिफिकल्ट बिजनेस. इसमें इसलिए बट हाउ प्रॉफिटेबल इज इट इन द एंड? इट्स नॉट एन इजी बिजनेस. इट्स समथिंग व्हिच आई हैव सीन यू नो इन माय प्रोफेशनल करियर नाउ दैट इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेसेस टू इंश्योर कि वो क्वालिटी आपने हर रोज देनी है. आप आई मीन आई कैन गिव एन एग्जांपल, डबल रोटी भी तो बन रही है, उसमें भी वो चीज़ आ रही है, वो भी डेली इस्तेमाल हो रही है, वो भी इतना ही डिफिकल्ट बिजनेस होगा, बट उसकी एक्सपायरीज, उसकी लाइफ्स आर टोटली डिफरेंट. बट कंपेयर टू मिल्क विच इज़ कंज्यूम्ड सब्सटैंशली मोर, आई वुड से देन डबल रोटी सब्सटैंशली मोर, उसकी मिलियंस ऑफ लीटर्स की डेली कंजम्पशन है अक्रॉस पाकिस्तान, वेदर वो लूज है या पैकेज्ड है. तो इसकी इसीलिए एक मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो उसको ओवरसी कर रही है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी इसमें आ जाती है. आपने इंडस्ट्री भी लगाई है, उसको भी चलाना है. फिर आपके फेडरल रेगुलेटर्स हैं, फिर आपके प्रोविंशियल रेगुलेटर्स हैं. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने किसी और बिजनेस का नहीं देखा जिसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट, इतनी इंगेजमेंट हो. आपने पंजाब फूड अथॉरिटी की खबर आपने ही चलाई होगी, चलती भी है जी. आज वो दूध का ट्रक पकड़ा गया जी. इतने दूध के ट्रक पकड़े, वो जाली दूध था. अब वो पता नहीं कितने निकल गए और कितने पकड़े गए, वो भी एक क्वेश्चन है. एक और न्यूज़ मेरे दिमाग में बल्कि अभी ये भी आ रही है कि इंजेक्शन के हवाले से भी हमने बीच में सुना कि अभी जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट काउज एंड बफलोज तो उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा नाज़रीन को. ये जी एक यहाँ वी आई थिंक लुक फॉर शॉर्टकट्स. हमने सोचा कि हम थोड़ा फीड खिला के एक बफलो को उससे ज़्यादा दूध ले लें, तो उसका तरीका ये नज़र आ गया. ये इंजेक्शंस किसी और काम के लिए बने थे और शुरू हुए, फिर ये समझ आ गई कि ये लगाएं तो जहाँ एक गाय ने 10 लीटर दूध देना, अब वहाँ 25 लीटर देगी. अब इशू ये नहीं, ठीक है उसने 25 लीटर देना तो उसने खाना भी है, कुछ वो खा के प्रोड्यूस करेगी, वो हवा से नहीं प्रोड्यूस होना. लेकिन वो जो इंजेक्शन का जो प्रॉब्लम आया, बिकॉज वो उसके अंदर जो उसकी इंजेक्शन की कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कैरी हो रहे हैं इनटू द मिल्क, और फिर वो मिल्क से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. एंड दो आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट व्हाट आई कैन टेल यू एंड व्हाट द ऑब्जेक्शन वाज एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल एज वेल, कि ये हमारी बच्चियों को ट्रांसफ़र हो रहा है एंड इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर.
So, and we are one of the highest breast cancer nations in the world today. Yes. Why is that? So we have to go back and see what has happened. So truly appreciate the Supreme Court's judgment on this. They banned the tika. And actually, I was in the Supreme Court once, and I can say this. There was a lobbying, you please this ban ko khatam karein. So I can remember the Chief Justice getting up and actually saying, are you serious? You're saying that I should abolish the ban so that you can use this injection and which can harm our bachiyan? He exactly said this. And we truly support him on this. If this should be banned, the ban should remain so that quality milk is produced and none of these jo bad elements uske andar aa rahe hain, jo harmful to health and society, they should not be carried forward. However, I am a spokesperson for packaged milk. There is misconception ki ji packaged milk ke andar ye hai detergent hai, koi aisi cheez nahi hai. No detergents are hamari regular monitoring ho rahi hai. Okay. Regular monitoring doodh shelf se pick up hota hai, regulators usko utha ke jaake analysis karke hame har mahine, har dusre mahine, har teesre mahine different authorities hame certification deti hain ye bilkul theek hai aapka doodh, isme koi problem nahi hai, isme koi issue nahi aaya. You must have heard the small issue on the tea whiteners as well. Yes. Agar aap chahe to main uska bhi koi zikr kar deta hu. To tea whitener, pehli baat agar main aapko bataun, doodh hai kya cheez? Doodh is composed of three things. Doodh ke andar fats hai, skimmed milk hai, and pani hai. So ek process hai jisko hum kehte hain evap. It's an evaporating process jiske andar hum kya kar sakte hain ki main doodh जो पाउडर है स्किम्ड मिल्क अलहदा कर सकता हूँ, उसकी फैट्स अलहदा कर सकता हूँ और पानी ख़त्म कर सकता हूँ. अब जब ये अलहदा हो जाए, मैं इन तीनों को वापस जोड़ के पानी ऐड करके इसको फिर दूध बना दूंगा. सो ये दुनिया क्यों करती है? क्योंकि एक पीरियड आता है जिसमें दूध की एक्सेस सप्लाई होती है, तो आप उसको पाउडर में कन्वर्ट करके फैट्स को अलहदा स्टोर करके रख लेते हैं. जब वो पीरियड आता है जब गायें दूध नहीं दे रही, जब लैक्टेटिंग साइकिल चेंज हो जाती है, जिसको हम लीन पीरियड कहते हैं, उसमें हम फिर दूध उस तरह बना के कंपोज करके वापस रिंट्रोड्यूस कर देते हैं विद द सेम कॉन्टेंट्स जो रेगुलेशन के मुताबिक होता है. इट्स एग्जैक्टली मिल्क, सो देर इज नथिंग मिसिंग. टी वाइटनर्स के अंदर एक सिर्फ कॉम्पोजिशन चेंज आया है जिसमें जो उसकी सॉलिड्स हैं, जो फैट सॉलिड्स हैं, जो कि डेयरी सॉलिड्स जिन्हें कहा जाता है, वो उसके अलावा हम वेजिटेबल सॉलिड्स डाल देते हैं. अब कहा ये जाता है दे आर कोलेस्ट्रॉल फ्री, दे आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर गुड फॉर न्यूट्रिशन, सो वी आर एडिंग दैट एंड दे बीइंग यूज्ड बिकॉज वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टी ड्रिंकिंग नेशन. सो उसकी प्राइस भी कम थी, वो दुगना इस्तेमाल भी हो सकता है. इट कैन मेक डबल द टी देन रेगुलर मिल्क. सो उसका एक्चुअली अगर कॉस्ट देखा जाए, सो कॉस्ट उसका 1/4 के करीब आ जाता है ऑफ मेकिंग अ टी, हाउ मेनी टीज यू कैन मेक फ्रॉम द अदर टीज. सो इट्स अ टी वाइटनर. वी ऑलवेज सेड इट वाज अ टी वाइटनर, वी नेवर सेड इट वाज मिल्क. एंड इसके ऊपर भी एक कोर्ट के अंदर ये इशू किया एंड नाउ इट्स बीइंग मैनेज्ड. सो वी एक्चुअली क्लियरली स्टेटेड ऑन द पैकेज एंड पैकेजिंग कि दिस इज नॉट मिल्क or a substitute, this is only good for tea, so please use it for that. So anybody using any of the tea whiteners as a substitute for milk, they should not be doing this. Kyunki iske andar dairy solids or dairy fats nahi hai, iske andar vegetable hai, which is good for health if you want to diet or something or whatever. So you're a senior businessman. I also want to know that what things should be kept in mind before starting this business. I also want to know about the negative things, kya kya drawbacks hai. अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. सो ऑब्वियसली एक फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है फॉर सपोर्टिंग द डेरी काउस, जो डेरी फार्म्स हैं. सो एक है डेरी फार्मिंग जिसमें आपने बफलोस रखे हुए हैं, वॉट एवर नंबर यू स्टार्ट विद 20, 25, 100, 200, फिर आपने उनसे मिल्किंग लेनी है. फिर ये जो बड़ी कंपनीज हैं, दे हैव एन अरेंजमेंट, दे गो एंड कलेक्ट मिल्क फ्रॉम दोज डेरी फार्मर्स. वो डेली जाएंगे, आपसे मिल्क लेंगे और डेली आपकी पेमेंट हो जाएगी आइदर थ्रू डिजिटल, थ्रू बैंकिंग और थ्रू कैश, वॉट एवर मेथड वर्क्स ओवर देयर, उनकी पेमेंट्स हो रही हैं साथ साथ एंड द मिल्क इज बीइंग कलेक्टेड एंड गोइंग फॉरवर्ड. अब एक है पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग वाला, व्हिच इज अ बिग बिजनेस, दैट्स अ वेरी लार्ज साइजेबल इन्वेस्टमेंट. इट कैन गो इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दैट एवरीबॉडी कैन नॉट डू, इट्स ओनली द बिगर कंपनीज व्हिच आर डूइंग दिस. देन कम्स इन द मिल्क प्रोडक्शन हाउस. जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो डेयरी फार्मर्स हैं, वो ऑब्वियसली एनीबडी कैन गेट इनटू दैट. वो तो फ्रेंकली जिसके पास 2-3 भैंसें भी हों, वो भी डेयरी फार्मिंग कर सकता है कि जी मैं भी अपना दूध निकाल के इनको बेचूंगा और मैं इनकी क्वालिटी करूंगा. बट मैंने फिर आपसे कहा, ये इतना इसके पीछे साइंस है ना हर चीज़ में, ये अगर एक
एक एक बफलो का अगर आपने उसको प्रॉपरली एक दिन मैनेज नहीं किया, उसको सही फॉर्डर नहीं दिया, उसको आपने सही तरह प्यार नहीं किया, आपने उसको यू नो कहीं धूप में खड़ा कर दिया। टॉक अबाउट द इंपोर्टेड काउज ओवर हियर एज वेल, जैसे अभी मैं एंग्रो का भी पढ़ रही थी कि दे आल्सो हैव लाइक इंपोर्टेड काउज, तो यहाँ पर भी मैं कुछ मैसेजेस, आई वाज गोइंग थ्रू फ्यू मैसेजेस यस्टरडे, और वहाँ पे लोगों का यही कहना था कि जी हमारे पास अगर 8 से 10 अगर वी हैव काउज एंड बफलोज तो हम इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर क्या इसके लिए ज़रूरी है कि हम इम्पोर्टेड काउज जो है वो अपने पास रखें, क्या उससे मतलब, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा अगर इम्पोर्टेड नहीं भी है तो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर ये इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि कितने लीटर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। हाँ जी, इम्पोर्टेड काउस की एक वजह ये कि अगर आज आपने बिज़नेस शुरू करना है तो मे बी आपको उस नंबर की और शायद उस क्वालिटी की जो कहते हैं ना पेडिग्रीड लेबल्ड, वो काउ शायद इतने आराम से आपको मिलेगी नहीं, तो जिसके पास है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब आगे उसका बछड़ा होगा, जब होगा, जवान होगा, तो फिर शायद उसको बेचे। लेकिन आज आपने बिजनेस करना है, आपको 100 काउस चाहिए। सो द इजियर मेथड इज के यू प्लेस एन ऑर्डर, दे कम फ्रॉम, दे कॉल फ्रीजलैंड या जर्सी काउस होती हैं, दैट्स व्हाट दे कॉल्ड, एंड दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे ऑल्सो कम, और वो आएंगी और दो कैटेगरीज में आएंगी कि दे कैन कम एंड स्टार्ट लैक्टेटिंग इमीजिएटली, उनका साथ ही उन्होंने एक काफ प्रोड्यूस कर दिया एंड दे बिकम प्रोडक्टिव फ्रॉम डे वन। बट येस उनको प्रॉब्लम्स ये आते हैं बिकॉज दे हैव सम वेदर कंडीशंस, वो थोड़े से ठंडे मौसम में आते हैं तो हमारा थोड़ा सा गर्म मौसम है, तो उनको थोड़ी एडजस्टमेंट पीरियड उसमें लगता है। बट आपकी जो बात है ना कि क्या इतनी काउज लोकली अवेलेबल हैं क्वालिटी काउज के जिनको मैं लेके कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, बट मे बी दे माइट नॉट गिव यू दैट हाई मिल्क यील्ड। बट अगर आपको ये पता हो कि साहिवाल, जिसको साहिवाल ब्रीड कहा जाता है, दैट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स इन पाकिस्तान, द मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज, तो जो बाहर से काउ आती है, इफ इट्स जर्सी और इफ इट्स फ्रीजन, इट इज़ एक्चुअली क्रॉस्ड विद अ साहिवाल काउ टू मेक इट मोर रेजिलिएंट, मोर स्ट्रॉन्ग फॉर द लोकल एनवायरनमेंट एंड टू प्रोड्यूस इवन ग्रेटर मिल्क वॉल्यूम्स। येट हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट मिल्क यील्डिंग cows in the world. Again, we have to work on the content, formulation, uski piche fodder, uski feed, uski health, all of that has to be. A lot of work has started. Wind up ke liye kaha ja raha hai, usse pehle ek mukhtasaran aapse ye bhi janna chahungi about the future prospects as well. Because agar hum dairy farming ki agar hum baat kare to obviously it still has a large room for improvement. जी जी, इट हैज़ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसकी एक बेसिक अगर गेज मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि जो हमारी पर काउ उसकी लीटर प्रोडक्शन है, इट हैज़ टू बी इन्हांस्ड एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर फूड एंड फॉर्डर की प्रोडक्टिविटी और उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, और फिर इनकी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। हमने फ्रॉम अ PDI प्लेटफॉर्म, फ्रॉम आर ओन पर्सनल कंपनीज के प्लेटफॉर्म से भी स्टार्ट प्रोग्राम्स जहाँ हम फार्मर्स को एजुकेशन दे रहे हैं। We working with different arms of United Nations, we working with the WHO, we working with other such organizations, जो के जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं, पंजाब से शुरू हो गए हैं, सिंध में भी वो आ रहे हैं। सो वी हैव टू एजुकेट द फार्मर, द ग्रोअर, द मिल्क प्रोड्यूसर, द डेयरी फार्मर एंड द सेलर एज वेल इन टोटैलिटी, अगर इस बिजनेस को हमने और फर्दर बूम करना है। ये वक्त दूर नहीं है, अभी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पाउडर, आई थिंक वी हैव enough of milk and we the fourth or fifth largest milk producing nation in the world. So hum sara doodh kahan jata hai? I heard a figure 15% is wasted. अगर वो 15% ही हम रिटेन कर लें तो मे बी अगर हम उसकी एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो आप इमेजिन करेंगे कितना सरप्लस इस मुल्क में इन यू नो इन इन योर ट्रेड आ सकती है, फॉरेन ट्रेड आ सकती है। ठीक है सर, वाइंड अप करेंगे। नवीद सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आज। नाज़रीन, आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।